गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आई होप कल आपका टेस्ट अच्छा गया होगा और टेस्ट से रिलेटेड जो डाउट सेशन था वो समझ में आया होगा आपको। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, या जब कभी हम लोग फिर दोबारा मिले फ्री टाइम पे उसको दोबारा से हम लोग रिकवर भी करेंगे। ठीक है, तो आइए, जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड, तो ये स्ट्रैटेजी जो है हमारे जो ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस पॉपुलेशन के न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए हम लोग एक से एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, क्योंकि जितनी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो इस नीड को पूरा करने के लिए ये हमारे साइंटिस्ट, हमारी गवर्नमेंट, ये सभी लोग मिल करके एक प्लान चलाते हैं और उससे बेनिफिट पूरे पॉपुलेशन को होती है। तो उसी चैप्टर का आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल ब्रीडिंग। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो ऐसे एनिमल जिनके फीचर्स आपस में काफी सिमिलर हैं उनका आपस में मेटिंग करा करके ब्रीड को तैयार करते हैं, जिससे हमें हाई क्वालिटी के न्यू ब्रीड मिल सके, या जो हाई क्वालिटी के ऑलरेडी जो ब्रीड हैं उनका नंबर बढ़ा के अपनी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सके। तो ये सारा चीज जो है वह हम लोग एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू करते हैं। आइए चलिए, तो क्या है एनिमल ब्रीडिंग देखते हैं। इस चीज को हम लोग ए ग्रुप ऑफ एनिमल सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर ए ग्रुप ऑफ एनिमल सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस फीचर्स जनरल अपीयरेंस फीचर साइज इटीज। तो यानी कि जिसके आपस का कुछ जो जनरल अपीयरेंस है, साइज है, ये सारे जो आपस में सिमिलर है वैसे एनिमल को आपस में हम लोग ब्रीड करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग इज प्रोड्यूसिंग इंप्रूव ब्रीड ऑफ इज प्रोड्यूसिंग इंप्रूव ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल बाय इंप्रूविंग देयर जीनोटाइप। ब्रीड ऑफ इंप्रूव ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एनिमल बाय इंप्रूव ऑफ जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, ये टर्म है। द फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड फिनोटाइप्स एंड जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो जीन का यानी डीएनए का जो सीक्वेंस है दैट इज द जीनोटाइप। और जिस एनिमल या प्लांट के अंदर का जो फिजिकल अपीयरेंस यानी हम दिखने में ऐसे हैं तो ह्यूमन बींग्स का ये फिजिकल अपीयरेंस हुआ था दैट इज द फिनोटाइप। डॉग जो है उस तरह का दिखता है तो वो डॉग का उसका फिनोटाइप हुआ। तो फिजिकल अपीयरेंस इज फिनोटाइप एंड जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप।
तो उसके जीनोटाइप में चेंजेस करके या जीनोटाइप को इंप्रूव करके हाई क्वालिटी का जीनोटाइप होगा तो वो हमेशा हाई क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी देगा। तो उसके जीनोटाइप में भी इंप्रूव करा करके हम लोग ये काम करते हैं। अब मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, इसमें हम लोग चार पांच मेथड को देखेंगे, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, ऐसे जो सारे टाइप जो हैं, यानी अलग अलग मेथड से जो हम लोग ब्रीडिंग का प्रोसेस पूरा कराते हैं उसी को हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि इन ब्रीडिंग का ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में, इन ब्रीडिंग का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें दो सिमिलर ब्रीड को, जिसके जेनरेशन यानी जिसके जो पैरेंट हैं कुछ जेनरेशन में सेम थे, उनको आपस में ब्रीड करा करके जो प्रोजेनी हम लोग तैयार करते हैं, प्रोजेनी का मतलब आने वाला बच्चा जो तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग में क्या कहता है, ब्रीडिंग इन बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड फॉर फोर टू सिक्स जनरेशन इट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग, कॉल्ड ठीक। तो हम क्या करें, ब्रीडिंग इन बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट जो होंगे वो सेम ब्रीड के होंगे, अलग अलग ब्रीड के नहीं होंगे। जैसे मान लो पवेलियन डॉग, जानते हैं सभी लोग, तो पवेलियन डॉग का जो मेल होगा, पवेलियन डॉग का जो फीमेल होगा, दोनों पवेलियन ही होंगे, अलग अलग ब्रीड नहीं लेंगे। तो उनका आपस में जो मेटिंग करा के तो जो उससे जो बच्चा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का इश्यू क्या है कि अगर कंटिन्यू बार बार इनब्रीडिंग कराते हैं तो उससे इनफर्टिलिटी आती है और न्यू जीनोटाइप डेवलप नहीं हो पाता है, और इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए, तो जैसे एग्जांपल के रूप में समझेंगे हम लोग, सुपीरियर काउ एंड सुपीरियर बुल एंड सुपीरियर बुल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर of the same breeds are identical and mated mated superior female superior। जैसे काउ लिए तो काउ में सुपीरियर फीमेल किस काउ को बोलेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा लैक्टेशन में ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, दैट इज द सुपीरियर काउ। और बुल, सुपीरियर बुल कौन सा होगा, तो सुपीरियर बुल उसको कहेंगे जो बाकी दूसरे बुल के रेस्पेक्ट में अच्छा प्रोजेनी तैयार करवाता हो, यानी जिसका सीमेन अच्छी क्वालिटी का हो, तो उसको कहेंगे सुपीरियर बुल। तो सुपीरियर फीमेल is cow that female is cow that produce more milk for lactation on other hand
on other hand, a superior male is that that bull which gives rise to superior progeny, which gives rise to superior progeny, gives rise to superior progeny. कंटिन्यू जो हम बताए थे, कंटिन्यू इन ब्रीडिंग रिड्यूस, कंटिन्यू इन ब्रीडिंग बार बार करेंगे क्यों कहा जाता है, हम लोग में क्यों कहा जाता है क्लोज रिलेशन में शादी नहीं करनी चाहिए, क्यों ऐसा, क्योंकि क्लोज रिलेशन का मतलब है कि दोनों के किसी ना किसी पॉइंट पे एंसेस्टर यानी पेरेंट सेम होंगे, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जितना ज्यादा आएगा प्रोजेनी उतना अच्छा तैयार होगा, और इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होगा क्योंकि पेरेंट सेम है ना, 4 से 6 जनरेशन में क्या कह रहा है, 4 से 6 जनरेशन में पेरेंट सेम होंगे तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम आएगी, तो उसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी इनब्रीडिंग से होने वाले नुकसान। तो कंटिन्यू इनब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, this is called inbreeding depression। तो इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, inbreeding depression कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एकदम हमेशा के लिए याद रखना है कि inbreeding का जो सबसे निगेटिव बात क्या है, तो inbreeding का सबसे निगेटिव बात है कि वो inbreeding depression होता है। सेकेंड देखिए, आउटब्रीडिंग में animal which may be animals which may be between individual of which may be between individual of individual of the same breed individual of same breed but having no common ancestor or between different or between different species, a
स्पेसीज। अब यहां पर ये दो पॉइंट को देखिए, अनरिलेटेड एनिमल विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, यानी कि दो सेम ब्रीड के बीच में होगा लेकिन उनके पेरेंट जो होंगे चार से छह जेनरेशन के बीच में कॉमन नहीं होंगे। अब फोर टू सिक्स जेनरेशन कहने का मतलब क्या हो सकता है कि आपको हो सकता है इसमें भी डाउट आए। फोर टू सिक्स जेनरेशन कहने का मतलब आप अगर फर्स्ट जेनरेशन है तो आपके पापा सेकेंड जेनरेशन, आपके दादाजी थर्ड जेनरेशन, और आपके दादाजी के फादर वो क्या हो गए फोर्थ जेनरेशन। तो यानी चार से छह जेनरेशन के बीच में दोनों का कोई कॉमन पेरेंट नहीं होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं हम लोग आउटब्रीडिंग। ठीक है, और जब चार से छह जेनरेशन में उनके कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर कहने का मतलब पेरेंट होंगे, तो वैसे को कहेंगे हम लोग इनब्रीडिंग। तो पहले हम लोग समझे इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। अब इसी आउटब्रीडिंग में हम लोग दो चीज देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग हमारा क्या कहता है, इन क्रॉस ब्रीडिंग सुपीरियर मेल ऑफ इन क्रॉस ब्रीडिंग सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड दो अलग अलग ब्रीड हैं, किसी एक सुपीरियर ब्रीड का हमने क्या किया काउ ले रहे हैं, तो दूसरे सुपीरियर ब्रीड का बुल ले लेंगे, यानी एक जगह से सुपीरियर मेल और एक जगह से सुपीरियर फीमेल। तो जब इस तरह का हम लोग कराते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक, यानी क्रॉस करा दिए हैं, दो अलग अलग चीज लिए हैं, ब्रीड अलग अलग है, तो काउ ऑफ इंफेरियर ब्रीड मे बी मेटेड विथ सुपीरियर बुल। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ और बात बोल रहे हैं, नहीं फिर दोबारा कुछ और बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं उसके बाद आपको बता रहे हैं। काउ ऑफ एंड इंफेरियर ब्रीड मे बी मेटेड विथ सुपीरियर बुल्स मे बी मेटेड विथ सुपीरियर बुल्स। अब जैसे देखो जनरली हम लोग दोनों सुपीरियर लेते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों सुपीरियर लेते हैं तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो उस कंडीशन के लिए क्या करते हैं हम लोग एक सुपीरियर ले लेंगे और एक इंफेरियर ले लेंगे, तो उससे भी कभी कभी क्या होते हैं कि रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो ये चीज जो है वह हमारे डिपेंड करता है जो सोर्स हम लोग ले रहे हैं उसके ऊपर। कभी कभी हम सुपीरियर लेते हैं तो भी हमारा जो प्रोजेनी है वो अच्छा नहीं आता है, तो हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमारा
डिजायरेबिलिटी है वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक इंफेरियर को और एक सुपेरियर को लेकर मेटिंग करा देते हैं। हमें अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट से मतलब है, चाहे वो सुपेरियर इंफेरियर से मिल जाए या सुपेरियर सुपेरियर से मिल जाए। हाँ, इंफेरियर इंफेरियर से हमारा डिजायर प्रोडक्ट रेयर ऑफ द रेयर चांस में मिलता है, क्योंकि दो इंफेरियर चीज हमेशा इंफेरियर ही रहेंगे, लेकिन एक सुपेरियर एक इंफेरियर मिलकर के ज्यादा चांसेस बनता है कि वो सुपेरियर ही दे, और दोनों सुपेरियर मिलकर के भी ज्यादा चांसेस बनता है कि सुपेरियर ही दे। अब आइए देखिए, जैसे हिसारडेल सीप है, पंजाब में इसको ये किया गया था। हिसारडेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ new sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri if and Merino rams. तो ये दो अलग अलग से, यानी किससे किससे, बीकानेरी को क्रॉस कराए किससे, मैरिनो रैम से, और इधर ईव से। तो क्या मिल गया हमें, ये हिसार डेल मिल गया, हिसार डेल सी। ठीक, तो ये जो हुआ ये हमारे जैसा हमारा डिजायरेबिलिटी थी, जैसा हम चाह रहे थे वैसा हमें प्रोडक्ट मिला, तो हम इस चीज को कंटिन्यू कर लिए। अगर हमारा डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उस चीज को डिस्कार्ड कर देंगे, दैट मींस कि उसको अब आगे कंटिन्यू नहीं कराएंगे हम। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा आने वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग, यानी जैसी हमारी डिजायरेबिलिटी है वैसा ये उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर रहा तो कंटिन्यू, नहीं रहा तो डिस कंटिन्यू, उस एक्सपेरिमेंट को, उस चीज को, उस प्रोसेस को हम लोग छोड़ देते हैं, फिर दूसरा ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस अप्रोच मेल एंड फीमेल एनिमल male and female animals of two different species ही अलग अलग ले लिए, स्पेसीज आर टू डिफरेंट स्पेसीज आर मेटेड, the progeny usually different from both the parental species। जैसे एग्जांपल में देखिए, फीमेल हॉर्स को क्रॉस करा दिए हम लोग मेल डंकी से, तो हमें क्या मिल गया,
हमें मिल गया म्यूल। ये जो म्यूल होगा वह इनफर्टाइल होगा, यानी ये अब दोबारा से बच्चा जन्म नहीं दे सकता जो म्यूल होगा। दूसरा, लायन और टाइगर के बीच में, तो उसको लाइगर बोलते हैं, ठीक। तो लाइगर भी, लेकिन वहां पर लायन और टाइगर के बीच में जो होता है अगर मेटिंग होता है तो उससे जो प्रोजेनी मिलता है वो फर्टाइल होता है। लेकिन जैसे म्यूल, म्यूल ज्यादातर जब वैष्णो देवी आप जाएंगे तो म्यूल का बहुत, जिसे खच्चर कहते हैं, म्यूल का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? चढ़ाई चढ़ने में। अब इसमें दो फायदे, क्यों इसको डेवलप किए हम लोग, गधे के जैसा काम करने का क्षमता है इसमें, म्यूल में, और लंबाई जो है इसकी घोड़े से थोड़ी कम है, तो दोनों का मिला जुला कैरेक्टर लेकर के आ गया तो ये म्यूल हो गया। उसी तरह अभी हमने क्या बोला, लायन और टाइगर से। लायन को क्रॉस, लायन मेटेड विथ टाइगर या टाइगर मेटेड विथ टाइगर, तो इसे क्या मिल जाएगा, लाइगर। और ये क्या होगा, तो ये फर्टाइल होता है। ओके, अब आइए देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी AI, द सीमेन ऑफ सुपीरियर मेल इज, द सीमेन ऑफ सुपीरियर मेल इज कलेक्टेड, सुपीरियर मेल इज, द सीमेन ऑफ सुपीरियर मेल इज कलेक्टेड एंड इंजेक्टेड इन टू एंड इंजेक्टेड इन टू इंजेक्टेड एंड इंजेक्टेड इन टू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल फीमेल बाय द ब्रीडर by the breeder, the semen can be used the semen can be used immediately or can be frozen immediately or can be मेल से सीमेन को कलेक्ट करके फ्रोजन कर देंगे और जब जरूरत होगी, जैसे खास करके इसका काऊ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये सब सीजनल ब्रीडर होते हैं, काऊ डॉग, ठीक है, तो इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्टिवेट होता है एक पार्टिकुलर सीजन में, ठीक। तो जब एक्टिवेट होगा तो मेल से सीमेन को लेकर के फ्रोजन करके स्टोर कर दिया सीमेन बैंक में, जब फीमेल एक्टिवेट हुई किस चीज के लिए, तो फर्टिलाइजेशन के लिए, तब आर्टिफिशियल तरीके से उस सीमेन को फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। डायरेक्टली कहने का मतलब उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट कर देते हैं और तब जाकर के फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि द सीमेन कैन बी यूज इमीडिएटली या उसे हम लोग फ्रोजन करके रख सकते हैं।
लेटर ठीक है। अब एक टर्म है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो एम्ब्रियो ट्रांसफर MOET टेक्नोलॉजी MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या करते हैं हम लोग इसमें 8 से यानी 8 to 32 सेल स्टेज के एम्ब्रियो को हम लोग एक साथ किसी फीमेल में तैयार कर दिए और तब उसको वहां से कलेक्ट करके सुरोगेट फीमेल में जिसे सुरोगेट मदर पहले बहुत ज्यादा इंडिया में बैन हो गया है तो इसको सुरोगेट फीमेल में ट्रांसफर करके और बच्चा तैयार कर लेते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ओके। तो आइए देखते हैं इसमें नोट डाउन करेंगे अब हम लोग इसको इन दिस मेथड हार्मोन्स हार्मोन फॉलिकल अक्युमुलेटिंग हार्मोन लाइक एक्टिविटी इज गिवेन टू काउ फॉर इंड्यूसिंग फॉलिकुलर मैच्योरेशन फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन तो ये जो है पहले काऊ को हम लोग एसएसएच लाइक के जो हार्मोन होते हैं उसको देते हैं उससे क्या होता है कि उसमें ओव्यूलेशन करने के लिए वो फीमेल तुरंत तैयार होती है यानी एक तरह से इंड्यूस किए हम लोग जैसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसका यूज करने से प्लांट को तैयार करते हैं इस पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो यहां पर इस हार्मोन का यूज करके हम लोग इस फीमेल को तैयार कर रहे हैं फॉर दी ओवुलेशन के लिए ठीक। अब देखिए क्या करते हैं तो फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओवुलेशन का मतलब अच्छी क्वालिटी से करना तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड एग ठीक विच दे यूजुअली गिव पर साइकिल they produce 6 to 8 eggs. The cow mated with bull. The cow mated with bull. The embryos add at 8 to 32
Celestes are recovered and transferred to surrogate mother. Transferred to surrogate mothers. MOET done in cattle, sheep, rabbit, buffaloes, mares, etc. तो ये देखो, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहले देखा इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब, तो फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं हम आपको, ध्यान रहे आपको इसमें, इसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ये पार्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में आपको मैंने क्या क्या बताया? इनब्रीडिंग में मैंने कहा कि जब सेम ब्रीड के इंडिविजुअल में ब्रीडिंग कराते हैं यानी मेटिंग कराते हैं, जिसके एंसेस्टर जो है वो 4 to 6 जनरेशन तक सेम होंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के बाद में आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब कि जिसके एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं हो। और इसमें दो चीज देखें हम लोग, ठीक, एक है आउट क्रॉसिंग, मतलब 2 डिफरेंट ब्रीड, किसी एक ब्रीड का मेल और किसी दूसरे ब्रीड का फीमेल को लेके क्या कर दिए, तो मेटिंग करा दिए। जबकि इसमें हमने क्या किया, एक हो गया इंटर स्पेसिफिक इंसेमिनेशन, तो यानी इसमें 2 डिफरेंट स्पेसिस के बीच में, दो अलग अलग स्पेसिस, जिसमें हम लोगों ने म्यूल को देखा था, तो आप इसको म्यूल में याद रखिए, ठीक। तो उसमें क्या किए थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने दो, एक तरफ फीमेल हॉर्स को और मेल डंकी से हम लोगों ने क्या किया था, ये क्रॉस करा दिया था, तो उस चीज को हम लोगों ने म्यूल उससे तैयार किया था, और ये क्या हुआ था, तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग स्पेसिस लिया तो, और ऐसे भी इंटरवर्ड दो अलग अलग को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है ना। इंटर बैंकिंग यानी SBI और PNB के बीच में कुछ लेन देन हो रहा है, और इंट्रा बैंकिंग यानी SBI से SBI में कुछ काम कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखे थे। इंटर यानी दो अलग अलग स्पेसिस के लिए, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और उसके बाद में मल्टीपल ओवुलेशन इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या किए, 6 से 8 सेल स्टेज को, सॉरी 6 से 8 एग को तैयार करते हैं, कैसे, जब 8 से 32 एम्ब्रियो सेल स्टेज होता है उसको रिकवर करके किसी अलग अलग सोरोगेट फीमेल में ट्रांसफर करके और एक साथ तैयार कर लेते हैं। और ये चीज हम लोग तैयार करते हैं किसमें, तो ये चीज तैयार करते हैं हम लोग कैटल में, सीप यानी काउ में, सीप में, रैबिट में, बफेलोज में, और मेयर ये सब में। अब आइए, अब हम लोग अलग अलग ये सब चीज को
अब हेडिंग दीजिए कैटल। कैटल का इवोल्यूशन नेम है बॉस इंडिकस। कैटल मतलब काउ का, ठीक है, जिसमें काउ एंड बुल के बारे में देखेंगे, दैट इज कैटल। ठीक, कैटल के तीन ब्रीड को हम लोगों को देखना है। ठीक, ब्रीड्स ऑफ कैटल, ड्राउट, मिल्च और जनरल यूटिलिटी ब्रीड, तीन तरह के ब्रीड है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले मिल्च, तो मिल्च ब्रीड में क्या है, मिल्च ब्रीड में सुपेरियर काउ होता है और बुलॉक जो होता है वो इंफेरियर होता है, यानी ज्यादा वो मजबूत या अच्छा बुल नहीं मिलेगा इस ब्रीड में। काउ इज सुपेरियर, दैट इज मोर मिल्क प्रोड्यूस बट बुलॉक इज इंफेरियर। तो इस ब्रीड में यानी मिल्च ब्रीड हुआ। सेकेंड देखिए ड्राउट ब्रीड, DRAUGHT, ये ड्राउट ब्रीड। ड्राउट ब्रीड में क्या देखते हैं हम लोग, तो ड्राउट ब्रीड में सुपेरियर क्या होगा, बुलॉक होगा और काउ जो होगी वो इन्फेरियर होगी। इन्फेरियर काउ कहने का मतलब कि जो पर लैक्टेशन जो मिल्क होता है वो ज्यादा नहीं होगा। बुलॉक इज सुपेरियर एंड वर्किंग बट काउ इज इंफेरियर, दैट इज इंफेरियर। काउ का मतलब लो मिल्क पर लैक्टेशन, लो क्वांटिटी ऑफ मिल्क पर लैक्टेशन। अब आइए थर्ड वन में जनरल यूटिलिटी जनरल यूटिलिटी में दोनों जो होंगे वो थोड़े अच्छे होंगे। जनरल यूटिलिटी के काउ दो जो होंगे वो गुड मिल्क प्रोड्यूसर होगा और बुलों का गुड भी होगा। काउ ऑफ दोज ब्रीड आर गुड मिल्क प्रोड्यूसर एंड बुलक आर ऑल्सो गुड फॉर यूटिलिटी एंड वर्क। तो इस तीन अलग अलग ब्रीड हैं और ये तीन अलग अलग ब्रीड के कुछ नाम जो है हम लोग वह देखेंगे और किस रीजन में, इंडिया के किस रीजन में कौन सा जो ब्रीड है वह ज्यादातर कैटल का देखने को मिलता है। अब इतना तक हो गया था, हम लोग अब एक चार्ट बनाएंगे और तब उसमें देखेंगे ये सभी का।
तो हम लोग देखेंगे ये ना इसके, यानी कि ये जो बुलॉक है और ये ब्रीड है उसके ना, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ब्रीड ऑफ कैटल, ब्रीड और लोकेशन, सबसे पहले मिल्क ब्रीड, इसमें चार ब्रीड का नाम लिखेंगे, गिर सहिवाल, दियोनी और रेड सिंधी। गिर सहिवाल, दियोनी एंड रेड सिंधी, ये कहां कहां है? गुजरात एंड राजस्थान, सहिवाल पंजाब हरियाणा यूपी, पंजाब हरियाणा यूपी का मतलब याद रखेंगे उत्तर प्रदेश नाम है, जिसको शॉर्ट में यूपी बोलते हैं। देवनी जो है वह आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अब अलग अलग हो गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया है। रेड सिंधी भी जो है वह आंध्र प्रदेश, ठीक। फिर उसके बाद में है ड्राउट ब्रीड, मालवी यानी मालवी का है राजस्थान, मध्य प्रदेश नागौरी, नागौरी का है दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान, दिल्ली हरियाणा देश, राजस्थान हल्कीकर, कर्नाटका, कर्नाटका है गंगायम, तमिलनाडु एंड अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। देखिए ये जो मिल्स ब्रीड है, इस मिल्स ब्रीड के चारों नाम इम्पोर्टेंट हैं, गिर सहिवाल देवनी और रेड सिंधी जो चारों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें भी हम आपको बताते हैं कौन कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फेरीगढ़, फेरीगढ़ फेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, फेरी फेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, खेरी डिस्ट्रिक्ट यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट में से एक है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में यह पार्टिकुलर मिलता है जिसका नाम है खेरीगढ़, खेरीगढ़, ठीक है। खिलारी, खिलारी जो है वह महाराष्ट्र का है,
महाराष्ट्र में, और अमृत महल कर्नाटका में, कर्नाटका कुनवार, कुनवार जो है फुट हिल ऑफ हिमालय, ऑफ हिमालय, सीरी, सीरी का है वेस्ट बंगाल सिक्किम, और वेस्ट बंगाल में भी तो दार्जिलिंग वगैरह है वो इम्पोर्टेंट है वेस्ट बंगाल के, दार्जिलिंग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है दार्जिलिंग और प्लस सिक्किम, सिक्किम में आइए। उसके बाद है किंकंथा, किंकंथा जो है वह वेस्टर्न ऑफ वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा है, और किंकंथा हो गया। अब इसके बाद में है जनरल यूटिलिटी वाले, राउट ब्रिज कंप्लीट, ड्राउट के बाद में है जनरल यूटिलिटी। अब आप इतना नाम थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कौन सा, तो आपको याद रखना है ये क्या कहते हैं, जो आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग वो सब बताया है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है, और तब जाकर के ये सब भी थोड़ा सा याद रख लेंगे आपको अच्छा रहेगा। अब आइए जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स, ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स, ड्यूअल पर्पस ब्रीड, तो एक है हरियाणा ब्रीड, हरियाणा ही नाम ब्रीड का ही नाम है हरियाणा, ये कहां होता है हरियाणा, पंजाब, बिहार, बिहार मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात अंगोले, अंगोले आंध्र प्रदेश, कांकरेज कांकरेज गुजरात में, थार परकर, थार परकर जो है राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात मेवाती, मेवाती अलवर
अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है वह राजस्थान में ही है, अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड भरतपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। ये है राठी, राठी अलवर और बीकानेर। फिर है डांगी, डांगी जो है वह अलवर और बीकानेर, बीकानेर डांगी सॉरी डांगी जो है वह अहमदाबाद एंड नासिक, निमारी, निमारी जो है निमार ट्रैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, निमार ट्रैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गौलाव, गौलाव ये कहाँ है तो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का पीठ है। और कृष्णा वैली नामी है ब्रिज का, कृष्णा वैली क्योंकि यह कृष्णा वैली के किनारे वाले रीजन में सबसे ज्यादा मिलता है। कृष्णा वैली कर्नाटक तमिलनाडु ये सब का पार्ट है। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और साथ ही साथ यानी कृष्णा वैली, वैली रीजन। तो इतने सारे जो है वह इसके पार्ट, ये इतने ग्रिड जो है वह जनरल यूटिलिटी के हैं, ठीक है। हरियाणा, अंगोले, ठीक है, फिर मेवाती और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छे से आप एक बार याद रखेंगे, याद तो सबको रखना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, वो आपके इंतजार नहीं करेगा, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करें, ये ज्यादा कॉमन है तो इसको ज्यादा पूछने की चांसेस बनते हैं। तो इतना जो है वो कैटल तक का हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, इसके आगे का पार्ट फिर हम लोग देखेंगे, ओके।